स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैनन आ, कैमरा ट्यूजडे में आज हम लोग बात करेंगे सोनी 70 टू टू हंड्रेड एम एम एफ टू पॉइंट एट जी मास्टर ओ एस एस मार्क टू भगवान जनेलो का नाम कौन रखता है तो यहाँ पे समझिए मार्क टू के बारे में बात कर रहे हैं तो ये समझिए सेवेंटी टू टू हंड्रेड एक ऐसा लेंस होता है जो भी फोटोग्राफर थोड़ा सा भी ढंग से कमाता है शांति से ये खरीदता है बहुत कमी फोटोग्राफर है जिनके किट में ये नहीं होगा ये मतलब बहुत वर्स्टाइल रेट है पोर्ट्रेचर के लिए वेडिंग के लिए और स्पोर्ट्स भी काफ़ी हल्का फुल्का कर लेता है और आपका लैंडस्केपिंग भी कर लेता है तो काफ़ी वर्स्टाइल और मतलब एक तो पर लो लेवल माइक्रो भी कर देता है तो काफ़ी डिजायरेबल लेंस है और ये होली ट्रिनिटी का कोर माना जाता है तो ये समझिए इसको हर कोई हर समय खरीदना चाहता है

ंग मतलब जितना अच्छा तो मतलब गलती हुआ था सबको देख के और मार्केट स्टडी करके मार्केट में बाकी बाकी लोग क्या क्या कर रहे हैं उसको देख के उसकी गलती को सुधार के फिर यह रिलीज किया बहुत भयानक रिलीज कर दिए हैं तो बात करते हैं यहां अपग्रेड क्या किया गया सबसे पहला ये डी क्लिकेबल मैनुअल एर्चरिंग दे रहे हैं इसका दो तीन फायदा हो रहा है पहला फायदा जो लोग वीडियोग्राफी करते हैं उनको अगर ये होता कि है कि एपर्चर पे कंट्रोल चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक नहीं मैनुअल कंट्रोल का एक अलग फील होता है वो अगर चाहते हैं इसमें कर दीजिए क्लिकेबल और नॉन क्लिकेबल रहता है यानी कि आप जो कट 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 कर करें जैसे फोटोग्राफर चाहते हैं जैसे जिसके पीछे लोग फूजी के पीछे भागते हैं वो इसमें आपको मिल जाएगा आपको स्मूथ चाहिए डी क्लिक कर दीजिए आपको चाहिए नहीं भैया मुझे आदत भी नहीं है और मैं मेरे लिए प्रॉब्लम होगा उसे शांति से ए में डालिए और आयरस लॉक कर दीजिए कोई टेंशन नहीं है एकदम बल्ले बल्ले अब यहाँ ऑटो

बहुत बहुत लंबे साल तक चलता है तो आराम से हो सकता है कि कल जो ए सीरीज का ए वन का मार्क टू आए वो और भी फास्ट बर्स्ट्रेटेड तब इसका और फायदा दिखने लगे तो ये समझना जरूरी है कि अगर आप सस्ते कैमरा में लगाते हैं आपको उसका फील नहीं आएगा कि इतना लेंस पे ए एफ का क्या बात है लेकिन वही है कि इतना ये हॉर्स पावर रखा हुआ है कि आप बॉडी अपग्रेड करते रहिए ये हम संभाल लेंगे ये इस पर मेहनत किया गया और वन ऑफ दी लाइटेस्ट लेंस है कैटेगरी और सोनी इस बार जितने भी मार्क टू निकाल रहा है सब पे वजन पर पूरा फोकस कर रहा है क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है कि आप डीएसआर से आए डीएसआर भर पुष्ट होता था डीएसएलआर के लेंस और भर होते थे तो आपको हस्ट पुष्ट तंदुरुस्त होता था तब जाके ये भरपुष्ट इक्विपमेंट इस्तेमाल कर पाता थे अब लोग वैसा नहीं चाहते और जिनका एज भी हो जाता है उसको भैया नहीं है मैं, मैं सत्तर का हो गया हूं टाइम पास के लिए निकाल रहा हूं

बाज आता नहीं है कि आप लेंस हुड पे ही कैमरा को रख देते हो तो फ्लावर पैटर्न वाला में रखा जाता था बात लेकिन थोड़ा होता था तो ये कर दिया और इसमें रबड़ दे दिया कि आप रखो मानोगे तो है नहीं लेकिन रखोगे ही तो स... ठीक है भैया ढंग से रखी लो तो ये भी सुधार दिया गया है और बहुत सारा सटल सटल चेंजेस है जो प्रॉब्लम्स थे उसको सुधार दिया गया मतलब जो आप और जो लोग इसका माक यूज़ करें माक टू उनको फील होगा नहीं यार ये थोड़ा बेटर हो गया अब बात करते हो तो टेक की बात हो गई परफॉर्मेंस कैसा है तो यहाँ पे समझिए कि ये लोग सोनी किया क्या कि ये था इनका पुराना लेंस डिजाइन इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स है बहुत सारा ग्रुपिंग्स है मतलब 18 ग्रुपिंग्स है और आपका 23 एलिमेंट्स है 23 इंडिपेंडेंट ग्लास है उसको लिया फेंक दिया गया मतलब समझिए जितना ग्रुपिंग नहीं है उससे कम एलिमेंट्स यहाँ पर आ गया है सेवनटीन एलिमेंट्स है उससे फोर्टीन ग्रुप्स है मतलब सारे पुराने डिजाइन ही गलत था गलत कहना भी ठीक नहीं होगा आप ये समझिए कि उस टाइम में यही लोगों को पता था मिररल्स के हिसाब से सब चीज़ रीडिजाइन किया तो पता चला बहुत सारा लेंस हटा सकते हैं और लेंस की क्वालिटी भी हो चुकी है मतलब इस टाइम में 2014 में जिस तरह के लेंस पॉलिश होकर बनते थे जितना उसमें एबरेशन होता था वो सब सुधर गया है तो बहुत सारा करेक्शन ऑप्टिक्स हटा दिए तो ऐसे ऐसे करके लेंस बहुत हल्का हो गया अब फिर आप ये देखिए ये उनका पुराना डिजाइन का ऑटोफोकस एलगोरिज्म था अभी वाले का ऑटोफोकस देखिए ये रोटेट करता था ये सीरियल लीनियरली आगे पीछे करता है तो इसी कारण से ये इतना हल्का भी हो गया परफॉर्मेंस क्योंकि जितनी बार आप लाइट ग्लास से गुजारते हैं वो थोड़ा सा uh, कलर्ड हो जाता है इसीलिए मतलब कितना भी कोशिश किया एंड में सबसे बेस्ट होता है भैया कम से कम लेंस इस्तेमाल करो बहुत जितना ज्यादा आप ये लेंस रखोगे कि अच्छा इसका यह प्रॉब्लम है इसके लिए दूसरा करेक्टर रखो अच्छा इससे दूसरा प्रॉब्लम हो गया उससे दूसरा करेक्टर रखो भैया लेंस कम करो घूम फिर के यही होता है इसलिए बैलेंस करना होता है कि बहुत कम करेक्शन आप इस्तेमाल करेंगे तो भी दिक्कत है बहुत ज्यादा करेक्शन करेंगे तो भी दिक्कत है क्योंकि ट्रांसमिशन खराब हो जाता है आपका मतलब सोचिए सौ वाट

इक्का इक्का दुक्का दुक्का केसेस में में आपको कोई और इसके सीन्स में होगा कि अरे इस शॉट में ये थोड़ा सा मतलब वन ऑफ दी बेस्ट मतलब ये लेंस लेने के बाद अगर आपको दिक्कत हो रहा है फोटो में चांसेस आप घोटाला कर रहे हो या आपको डिफेक्टिव इक्विपमेंट मिला है ये वन ऑफ दी बेस्ट है फोकस ब्रीदिंग है अभी भी बहुत कम नहीं है आ, लेकिन इन्होंने एक चीज सुधार दिया कि पार फोकल बना दिया ये वीडियोग्राफर शांति से बोलेंगे चुपचाप से पैसा लो हमको कोई दे दो पार फोकल है और मैंने नीचे एक बंदे का दिया उनका उसका ऑप्टिकल एनालिसिस की पार फोकल हो नहीं सकता पार फोकल के लिए जनरली मतलब जितने टी वी होते हैं जो एक्चुअल पार फोकल है या वीडियो लेंसेस हो गए वो सब बहुत इंजीनियरिंग की जाती है तो ये इसमें तो है ही नहीं कि इंजीनियरिंग करें कहाँ से तो उसका कहना है ये है कि मतलब जो आप फोकस का डिटेल कर रहे हो मतलब जूम इन का डिटेल है वो डेटा इलेक्ट्रॉनिकली फीड किया जा रहा है इसको और ये कॉम्पनसेट कर दे रहा है तो मतलब घूम फिर के आपको वही मिलेगा आपने जूम इन किया

समझ रहे एक साइड एड ऑन है जो काफी लोग बोलेंगे चुप चा सो पैसा लो हमको दे दो फोकस ब्रीदिंग पे तो थो लोग थो 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 थोड़ा और इंप्रूव कर सकते थे मतलब मार्क वन से मार्क टू में बहुत इंप्रूवमेंट है लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि एकदम जीरो नहीं है काफी अच्छा है लेकिन जीरो नहीं है तो परफॉर्मेंस लेकिन मतलब समझिए फोटोग्राफिक परफॉर्मेंस कॉर्नर टू कॉर्नर शार्पनेस रेजोल्यूशन क्रोमेटिक एपरेशन हर चीज में आपको इससे बेटर नहीं मिलने वाला अब बात करते हैं कंपटीशन का है। ये सबसे अच्छी बात होती है फील्ड में जब भी कंपटीशन होता है तभी लोग सुधरते हैं सोनी लिया अगर मिररलेस लेंस आते नहीं तो सोनी मार्क वन को और एक दो साल घिस देता लेकिन बात वही था कि अब जब घुस गए दूसरे लोग तो इनको सुधारना पड़ा तो यही समझिए ये पहली बार हो रहा है कि सोनी का लेंस जेन्युनली मूद होकर पीट दे रहा है कैनन को तो ऐसा हो कैसे जा रहा है कि क्या क्या कैनन के ऑप्टिकल इंजीनियर गधे हो गए नहीं बात कैनन ने जो कॉम्प्रोमाइज डिसीजन लिया कि हम इसे पैकिंग डिजाइन का बनाएंगे ये बैक फायर कर गया और ये मतलब कैनन के दूसरे लेंस से ही देखें सेवेंटी टू जो इनके डी के लिए थे उससे भी इसमें कुछ कुछ चीज में ये कॉम्प्रोमाइज्ड है क्योंकि ये जो लेंस का बैरल डिजाइन दिया गया है वो डिजाइन के चलते मतलब हर डिजाइन का कुछ फायदा कुछ नुकसान होता है इसका डिजाइन फायदा जब आप ट्रैवल कर रहे हैं आपका बैग में जगह कम खाएगा लेकिन जब निकालेंगे तब कुछ तो साइड इफेक्ट तो होगा ही तो ये इंटरनल फोकस ना कर पाने इंटरनल जूम ना होने के कारण इसमें बहुत लोग और बहुत और प्रोफेशनल्स को हाथ नहीं लगाना चाहते मतलब आप मजबूर हैं तो खरीदेंगे ही ये लेकिन बात है कि ये सब लेंस जो एक्सटेंड करता है अंदर वैक्यूम थोड़े खींच सकता है तो हवा अंदर जाता ही है तो साल पहले साल में कुछ नहीं होता लेकिन दूसरे साल में जैसे इसका सील्स थोड़ा सा घिसने लगता है डस्ट अंदर घुसने लगता है क्योंकि जितनी बार भी आप जूम आउट करो वो पंप जैसा ऐसा हुक 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 करके अंदर ही डस्ट भरते जाता है तो बहुत सारे प्रोफेशनल मतलब जेनवनली इस डिजाइन को नहीं हाथ लगाना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि एक साल में कुछ नहीं होगा लेकिन अगर आप ऐसी जगह खास तो पर खासतौर पर रेगिस्तान में या धूल गर्दे वाले जगह में यानी भारत में तो धीरे धीरे प्यार से धूल गर्दा इसमें घुस जाए जब तक सील अच्छा है बढ़िया लेकिन सील तो एक ही दो साल चलेगा ना आप मतलब खूब यूज कर रहे एक ही दो साल के बाद सुहा हो जाएगा तो वही बात है कि कैनन ने जो ये फोल्डिंग कर लिया उसमें बहुत कम रहा है इसमें तो समझिए आप कैनन का ये भी नहीं लगा सकते आप टेलीकन्वर्टर ने और सोनी ने सुधारा कि भैया हम टेलीकन्वर्टर भी आपको दें। जैसे मान लिया आपने सेवेंटी टू हंड्रेड ले लिया आपको है कि यार मेरे थ्री हंड्रेड तक का रीच चाहिए ये ले लीजिए टेलीकन्वर्टर ले लीजिए क्या उससे थोड़ा सा आपका प्रेसर घटेगा एप्सल्यूटली क्या आपका लाइट ट्रांसमिशन यानी कि टी फैक्टर घटेगा ऑब्वियसली घटेगा क्या ये तब भी काम करने लायक रहेगा हाँ क्योंकि ये इतना शार्प है कि जब इसको एक्सपैंड कर दे रहा है टेलीकन्वर्टर तो भी इसका शार्पनेस बचा हुआ है कि भैया टेंशन मत लो तो इसीलिए ये मतलब आ, हर मामले में कैनन से जनरली बेटर है सिर्फ एक चीज का साइड पैकिंग में जब आपको पैक करके कहीं ले जाना है तो सोनी थोड़ा दिक्कत करेगा थो, थोड़ा बड़ा बैरल है लेकिन वजन इसका अभी भी ज्यादा है और प्रैक्टिकली कहें ये मतलब कैनन लिटरली अब उम्मीद सब लोग बैठे हुए हैं कि कैनन अब दूसरा मार्क टू निकालेगा और उसको सील करेगा तो ये पहली बार हुआ कि कैनन का लेंस भैया सर आपसे नहीं हो पाएगा नीचे मैंने वीडियो दे दिया सर आपसे नहीं होगा क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया ना ये इंजीनियरिंग का पहला रोल है यू डू इट मतलब यू डू इट फर्स्ट और यू डू इट बेटर तो कैनन ने फर्स्ट किया सोनी ने बेटर कर दिया अब बात करते हैं नाइकॉन का तो नाइकॉन अच्छा है नाइकॉन जेनुनली सोनी के बगल में खड़ा हो सकता है लेकिन वो 300 ग्राम ज़्यादा भारी है बोले 300 ग्राम से क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं और मान लीजिए मतलब शाम को चार बजे से शुरू हुआ है और आप घसीट रहे हैं एक दो बजे तक रात का तीन सौ ग्राम के लिए आप जान भर डालोगे किसी की तो यह समझना बहुत जरूरी है वो तीन सौ सो ग्राम सोने में भले है तीन सौ ग्राम है लेकिन बहुत फर्क पड़ता है उससे और उसका क्लोज मैग्निफिकेशन भी कम है तो यानी कि उससे आप मैक्रो फोटोग्राफी करना चाहते हैं जैसे रिंग की माइक्रो फोटोग्राफी अंतर पता चल जाएगा आपको भैया ये नाइकॉन में लिया वो ये सोनी में रहा क्योंकि सोनी एकदम जूम कर देगा ये नहीं कर पाएगा तो ये बोल रही है पहली बार हो रहा है कि लेंस के मामले में चुपचाप से मतलब मैं अब चाहता हूं अब चाहता हूं कि कैनन सुधारे अब चाहता हूं नाइकोन हल्का बनाए ऐसे ऐसे करके ही हम लोगों को कंपटीशन का फायदा होता है क्योंकि ये मार्क टू आता ही नहीं अगर ये ये दोनों मार्केट में नहीं होता थे तो पहली बार है शांति से चुपचाप से इसको दो लाख साठ के आसपास का है दो लाख चालीस में आपको मिल जाना चाहिए और अगर आप अच्छा से बार्गेनिंग कर पाते हो तो दो लाख के आसपास में मिल सकता है या दो लाख दस हजार आपको ये ले लेना चाहिए और अगर अगर उतना पैसा नहीं है तो इसका मार्क वन का दाम आपको काफी कम मिलेगा ये अराउंड एक लाख अस्सी हजार से लेकर एक लाख साठ हजार तक में मिल जाना चाहिए लेकिन उसे ना ले उसको तभी ले जब आपको आप ऐसा बर्ड फोटोग्राफ

कुछ लोग का है कुछ लोग का है कि नहीं मेरे को ये फोल्डिंग चाहिए तभी मैं कैरी कर सकता हूँ ठीक है दैट्स अप टू यू अब उन लोगों के लिए वो कैनन ने सेटिसफाई कर दिया अब बात है वो लोग जिनको चाहिए नहीं हमें ज्यादा रोबस्ट चाहिए ज्यादा शील्ड चाहिए वो लोग के लिए कैनन न कुछ और निकाले तो कंपटीशन बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ऐसा लेंस है जो मतलब हर कंपनी जनरली कोशिश करती है एक दो लेंस उनका ऐसा ना होगी जिस पर हाथ ना लगाया जा सके कि भैया ये हमारे पास है हाथ ना लगाओ तो सोनी ये जो मेहनत कर रहा है ये दिख रहा है और कस्टमर जिन लोगों ने सोनी इको में कूदे हैं क्योंकि बार बार यही समझिए हर कोई आपको यही बताया कोई भी प्रोफेशनल हो बॉडी से कोई फर्क नहीं पड़ता लेंस ढंग का होना चाहिए और यह लेंस इतना जेनवनली आगे चल रहा है कि शांति से काफी लोग बोले यार ही दोनों लेंस का परफॉर्मेंस है कैनन और सोनी का परफॉर्मेंस में मैं यार सोनी ही ले लेता हूं मैं नाइकोन क्यों नहीं बोल रहा बात है नाइकॉन का एक ही बॉडी है जो ढंग से ऑटो फोकस कर पाता है और उसका अभी ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा है ट्रिकल डाउन मतलब आप जब उसका मार्क थ्रीज निकलने लगेंगे तब जाके ट्रिकल डाउन होगा तो नाइकोन थोड़ा पीछे चल रहा है लेंस अच्छा है लेकिन अगर ऑटो फोकस नहीं कर पा रहा है तो दिक्कत हो जा रहा है फॉर्मवेयर अपडेट से एक हद हफ्ता की जाए जब प्रोसेसर ही नहीं उतना हाई पावर का तो नहीं हो पा रहा है लेकिन वो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी एक दो साल के अंदर कैचअप करने लगेंगे मान के तो चल रहा हूं तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोनी सेवेंटी टू टू हंड्रेड एफ टू पॉइंट एट जी मास्टर ओ एस एस मार्क टू होपफुली आपको अच्छा लगा कुछ सीखने मिला कुछ समझ में अगर ऐसा है लाइक कर दे दोस्तों शेयर कर दे उससे मेरा काफी भला होगा नहीं अच्छा लगा नहीं पसंद आया कोई बात नहीं आप डिसलाइक दबा सकते हैं मैं कॉमेंट डिसलाइक दो बार दबाएं उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है मैं आपसे कहूंगा कि कमेंट लिखे मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए बेल अगर आप फ्री हैं तो आपने मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई धन्यवाद